वी आर स्टडिंग एंटी हाइपरटेंसिव्स, और एंटी हाइपरटेंसिव्स में जो ड्रग क्लास आज हम स्टडी करने जा रहे हैं दैट आर डायूरेटिक्स। सो यू ऑलरेडी हैव आइडिया कि आपके पास कोई हाइपरटेंशन का पेशेंट आता है, हाइपरटेंशन जिसे HTN से रिप्रेजेंट करते हैं, तो उस केस में कौन से ड्रग क्लासेस आप यूज़ करते हैं? ACD, ARBs, दैट इज़ एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स, या फिर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, या डायूरेटिक्स, या इनका कम्बिनेशन आप बच्चों इस्तेमाल करते हो। सो ये आपके पास फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट है। लेकिन जी पेशेंट के कंडीशन के अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट वेरी करेगी ना। मेरे पास किडनी फेलियर का रीनल कम्प्रोमाइज पेशेंट आता है, उसके लिए मेरी चॉइस अलग है। मेरे पास जी डायबिटीज़ का पेशेंट है, उसके लिए मेरी चॉइस अलग है। सो इसके ऊपर एक अलग से वीडियो डिस्कशन करेंगे। फिलहाल जी आप ये याद रख लो, हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं अपने पेशेंट के अंदर डायूरेटिक्स। अब जी डायूरेटिक्स ने क्या करना है कि डायूरेटिक्स ने यूरिनेशन ज़्यादा करवा देनी है, जिसकी वजह से देर विल बी द लेस ब्लड वॉल्यूम। ब्लड वॉल्यूम कम होगा तो ब्लड प्रेशर पेशेंट का कम होगा। भाई ये बातें हैं, ये एक लाइन है जिसको हम डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं। सो बच्चों, लेकिन आपने कोशिश क्या करनी है, बल्कि कोशिश क्या करनी है, दिस इज़ द फैक्ट, आपने जब भी डायूरेटिक यूज़ करने हैं आपने उसकी लो डोज यूज़ करनी है। लो डोज इस्तेमाल करना विल बी इफ़ेक्टिव। क्यों? अगर हाई डोज पे जाओगे डेफिनेटली इससे रिलेटेड आपके पास एडवर्स इफेक्ट्स आएंगे, साइड इफेक्ट्स आएंगे। भाई क्या इफेक्ट आ सकते हैं? जो मेरा पेशेंट है यूरिनेशन ज़्यादा इन केस अगर हो रही है तो उससे ये इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होगा, तो ज़ाहिर है मुझे उसके फिर रूटीन सीरम इलेक्ट्रोलाइट मॉनिटरिंग वैसे भी करते रहना है कि वो डायूरेटिक्स ले रहा है। और जब जी मैंने ओवर यूज़ कर लिया, हायर डोज दे दी, तो ज़ाहिर है देर इज़ पॉसिबिलिटी के कुछ जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं बॉडी से वो ज़्यादा क्वान्टिटी में एक्सक्रीट हो जाएँ, तो वो पेशेंट मेरा ऐसी कंडीशन में चला जाए, फॉर एग्जांपल उसके पोटाशियम आइंस कम हो गए, हाइपोकलीमिया की तरफ चला जाए। तो भाई मैंने यूज़ करनी है लो डोज, क्योंकि लो डोज इज़ सेफ। और ये जो मेरे डायूरेटिक्स हैं, इन दैट केस दे विल बी यूज्ड इन प्रिवेंटिंग द स्ट्रोक, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन जिसको MI से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड हार्ट फेलियर जिसको HF से रिप्रेजेंट करते हैं। सो ये एक ओवरव्यू बच्चों आपके पास आ गया डायूरेटिक्स का। अब जी डायूरेटिक्स में आज हम पढ़ने जा रहे हैं थायज़ाइड डायूरेटिक्स।